अशोक जी ये वो नौजवान साथी है, आपको पता होगा बुलंदशहर जिले में जब जब कोई जुल्म अत्याचार हुआ, जब जब यहाँ पर किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार करने की किसी भी दुष्ट ने हिम्मत की, तो केवल डीएम का घेराव नहीं, उन साथ साथ बलात्कारियों को जेल भिजवाने का काम किया था। उसमें प्रदीप के ऊपर भी मुकदमा लगा, हमारे ऊपर भी मुकदमा लगा, और समता संघ के जवानों ने चक्का जाम कर दिया था। साथियों बुलंदशहर के अंदर में मैं उन जवानों को बुलाना चाहूंगा, आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हरे कोई भाषण नहीं दे सकता, हरे कोई बोल नहीं सकता, पर कम से कम परिचय तो हो सकता है। मंच पर बैठी हुई महिला कमांडर और हमारे एस के गौतम की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जसपाल जी खड़े हो जाएंगे और आप वही आ जाएं लाइन के साथ। तमाम साथी संजीव गौतम जी उपाध्यक्ष हमारे बीच में, कमांडर सरदार जी आइए। इस तरीके से आप खड़े हो कि आप सैनिक के रूप में जो सेवा दे रहे हैं पूरे देश के अंदर में, समाज के अंदर में, हमारे तमाम धम्म उपासकों को दिखाई पड़े कि ये समता संघ के जांबाज बहादुर हैं, जिनके सहयोग से, जिनके ताकत के बल पर हम पूरे भारत में भगवान बुद्ध के इस पचरंगे को दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों ये वो नौजवान साथी है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इन सबका भी अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सम्मानित साथियों बैठिए आप। मैं आज का जो विषय है परम आदरणीय भंते जी के सानिध्य में और तमाम जितने भी जो आयोजक साथी हैं, सीधा सीधा सा विषय है कि हम भगवान तथागत बुद्ध के विचार को, उनके धम्म को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को नागपुर की भूमि में 1956 में आदेश निर्देश केवल भारत को नहीं, केवल दलितों को नहीं, केवल पिछड़ों को नहीं, केवल महिलाओं को नहीं, पूरे संसार को दिया था। हे संसार के लोगों, अगर आप लोग अछूत बने रहेंगे, आप लोग क्षुण्ण काष्ठ बने रहेंगे, आप लोग पिछड़े बने रहेंगे, तो आप पर रोजाना अत्याचार होंगे, बलात्कार होगा, आपके घरों पर मकानों में आग लगाई जाएगी। अगर आप पोत बन जाते हैं तो किसी माई के लाल की छेड़ने की हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि जापान आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इन हिंदूवादी लोगों की ताकत नहीं जो जुल्म कर जाए। क्या आप तैयार हैं बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने के लिए? मुझे हाथ उठा के बताएं तमाम साथी, अगर आप तैयार हैं। अकेले बाबा साहब ने दुनिया को पलट कर रख दिया, अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया को पलट कर रख दिया, बदल कर रख दिया। वाह रे बाबा साहब, हम तमाम भारत के ही नहीं, जापान से सुरई ससई के साथ में लाखों लोग हैं, और इतना ही नहीं, अभी आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर में हमारे नेतृत्व में और भिक्षु संघ के सानिध्य में जंतर मंतर पर 20,000 पूरे भारत के बौद्ध इकट्ठे थे। हमने मांग कर दिया भारत की सरकार को, हिलाते हुए हड़काते हुए चेतावनी देते हुए, हे भारत के सरकार में बैठे प्रधानमंत्री और सरकार के लोगों, जैसे आपने मुसलमानों को मुस्लिम लीग के रूप में कानून बनाया है, जैसे आपने हिंदुओं के लिए हिंदुओं का कानून पर्सनल बनाया है, ऐसे ही हमारे भारत के बौद्धों का भी कानून बनना चाहिए। कानून बनेगा तो हमारे हर बौद्धों को सर्टिफाइड होना करना पड़ेगा सरकार की तरफ से। हर शुल्कास्ट, हर पिछड़ा, हर महिला बौद्ध बनने में गौरव महसूस करेगा। ये अभी की बात थी 11 फरवरी की, आदरणीय भंते जी ये 11 फरवरी की बात थी। उमेश सिंह गौतम और समता सैनिक दल के जवान
जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा साथियों, मैं जब दिल्ली से चला, अभी त्रिलोक पूरी दिल्ली में शाम को बहुत बड़ी सभा होने जा रही है, मैंने अपील करी थी भाई अपने प्रदीप अशोक जी से कि हमें बोलने की बात नहीं है, हमारे आप प्रिय हैं, हमारे सभा करनी है, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने व्यवस्था यहाँ पैसे से लेकर के तमाम चीजें जो व्यवस्था में दी है, आप ज्यादा बेहतरीन हमारे लिए सम्माननीय है, हम तो आपके बीच में एक सिपाही की तरह आए हैं और आपको सलूट कर कर चले जाएंगे। हम यही तो कह रहे थे प्रदीप जी आपसे, यही तो कह रहे थे प्रदीप जी आपसे, क्योंकि बहुत हो गया बोलना, बहुत हो गया ए जो बोलने वाले नेता थे, अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तो समाज जो भाषण देते हैं कि शराब मत पियो और वो अपने घरों में शराब पिए हैं, जो भाषण देते हैं झूठ ना बोलो, वो नेता अपने घरों में एमएलए मंत्री बनने के बाद धन्ना सेठों के लिए अपना धन दौलत देते हैं, अपने समाज को मकान में घुसने नहीं देते। ऐसे नेताओं को भी ठीक करने का काम हमने करना है। समता सैनिक दल के जाबाज से रोले, आपने सुना होगा दिल्ली की विधानसभा में जब किसी मंत्री ने बाबा साहब के मूर्ति लगने का विरोध किया था, तो विधानसभा में 70 एमएलए जिनकी सरकार थी दिल्ली में, जिनकी सरकार थी पूरे भारत में, विधानसभा में उस शास्त्री जो अध्यक्ष था उसी के सामने खींच करके उसका काला मुंह करने का काम, जूतों से मारने का काम किया था। ऐसा जो कौम बहादुर नहीं होगी। चक्रवर्ती अशोक का नाम सुना होगा आपने, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा आपने, चक्रवर्ती अशोक के नाम पर दुनिया हालती थी, चक्रवर्ती अशोक के नाम पर छोड़िए भारत की बात, ये जम्बू द्वीप कहलाता था, पूरा एशिया 84,000 बुद्ध विहार, 84,000 शिलालेख, अरे आज तो सरकार जहां खोद दी है, चले जाइए आप, चाहे अयोध्या की बात ले लो, चाहे आप नहीं भारत के किसी कोने की बात ले लो, अफगानिस्तान से लेकर के लंका में बौद्धों के तो स्थल निकल रहे हैं, कहीं नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में, कहीं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के रूप में, और अभी अभी जो अयोध्या में आपने देखा होगा रिसर्च किया, अरे वहां तो बहुत बड़ा महाविद्यालय था बुद्ध के नाम से, साकेत नगरी के नाम से जाना जाता था ये शहर, हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला हुआ है, समता सेंटर के जवानों ने मुकदमा डाला हुआ साथियों कि ये जो साकेत नगरी है, यहाँ हिंदुओं का ना मंदिर था ना है, बौद्धों का मंदिर था, महाविद्यालय था, और मेघस्नी जैसे भैंसांग जैसे ज्ञान लेने आया करते थे, शिक्षा लेने आया करते थे, बड़े बड़े विदेश के महापुरुष संसार के भारत से शिक्षित बने, ज्ञानी बने, तो हिंदूवादी परंपरा के कारण से नहीं, बुद्ध के वजह से बने। ए समता सेंटर के शेरों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया वह संगठन है जो 1924 में स्वयं बाबा साहब ने बनाया, उमेश सिंह गौतम ने अगर इस दल से प्यार किया है, उमेश सिंह गौतम ने अगर इस दिल को दिल से लगाया है, तो केवल इसलिए ए महापुरुष जिसने देश का संविधान बनाया, संविधान बनाने से 25 साल पहले इस देश के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए और तमाम महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए और बुद्ध में भारत बनाने के लिए समता सैनिक दल पूरे भारत में जमीन आसमान एक कर देगा, पीछे नहीं हटेगा। बहनों आप छोड़िए हिंदूवाद परंपराओं को, छोड़िए देवी देवताओं को, बुद्ध के रास्ते को अपनाएंगे तो जातिवाद मिटेगा, बुद्ध के रास्ते को अपनाएंगे तो पाखंड मिटेगा, बुद्ध के रास्ते को अपनाएंगे तो कोई भी पति, कोई भी पिता, कोई भी पुरुष आपके पेट के बच्चे को ये पता पड़ने पर कि पेट का बच्चा बेटी है, उसको कत्ल नहीं करेगा,
उसको कत्ल नहीं करेगा। ये है बुद्ध का विचार, ये है बुद्ध का संस्कार। ये जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो स्थापित किया, बनाया, निर्माण किया, स्वयं बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था 14 अक्टूबर नागपुर की भूमि 1956 में ये जो देश का संविधान बना रहा है, ये जो महिलाओं के लिए, भारत के तमाम जन जन के लिए बराबर का अधिकार दिया है, इस भारत के संविधान में अगर कोई मूल भावना, मूल संस्कार है तो भगवान बुद्ध के त्रिपिटक में से है, भगवान बुद्ध के धर्म में से है। भगवान बुद्ध का धर्म और भारत का संविधान एक ही प्रारूप का है। संविधान को बचाओगे तो बुद्ध को बचाओगे, और बुद्ध को बचाओगे तो भारत के संविधान को बचाओगे। ये हम आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, बाबा साहब का संगठन है, उनका बनाया हुआ संगठन है समता सैनिक दल। ए मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे नौजवानों, बताइए आप तैयार हैं इस संगठन में सैनिक बन के काम करने के लिए? मुझे हाथ उठा के बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयार हो जाइए। उमेश सिंह गौतम सन 75 में खुर्जा में इंजीनियरिंग किया करता था। उस जमाने के अत्याचार हमने देखे नहीं, सहे थे अपनों पर। उस जमाने में इंजीनियर डॉक्टर बनना और वहां जो जात के नाम पर जुल्म होते थे, लोग गोली से भून दिया करते थे साथियों, हमने उसका मुकाबला किया। उस जमाने में जहां समता सैनिक दल का नामो निशान नहीं था, कहीं नागपुर मिलता था थोड़ा बहुत, या ना बॉम्बे मिला करता था। उसके बाद संकल्प लिया, बाबा साहब अगर कोई संगठन हमने स्थापित करना है, केवल और केवल आपका बनाया हुआ समता सैनिक दल, आपका बनाया हुआ भारतीय बौद्ध महासभा, ये स्थापित करने हैं। निकल पड़े भाई शांत स्वरूप शांत जी को साथ लेकर के, साथ लेकर के। मैं इनको सलूट इसलिए करता हूं, आज भी हम दोनों जंगे मैदान पूरे भारत में नहीं दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं बुद्ध के, बाबा साहब के विचार को फैलाने के लिए। मैं अपने मीडिया के तमाम सम्मानित साथियों को, मिलिंद गौतम जी से लेकर के, अशोक जी से लेकर के, संध्या जी बैठी हुई है यहां पर, ये तो हमारे परिवार के हैं, ये तो हमारे अंबेडकरी मिशन के, भगवान बुद्ध के विचार के वो प्रवाहक हैं, जो अपने पैसे से, अपने त्याग से, अपने कुर्बानी से अपने विचार को, बाबा साहब के बुद्ध के विचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। वहां हिंदूवादी मीडिया के लोगों, आपने तो पूरे भारत का टेलीविजन देखा होगा, कहीं नहीं मिलेगा आपके विचार का एक शब्द नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे देश के लोगों, मुझे जानवर का समाज नहीं चाहिए, मुझे शेर चाहिए, शेर चाहिए, और शेर समता सैनिक दल बनाता है, समता सैनिक दल शेर बनाता है। साथियों, ये जो शेर है आपके सामने, ये जो नौजवान मनोज एडवोकेट ब्लेंसर के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ, आपने सुना होगा हर तीसरे दिन अपने प्रदीप एडवोकेट जी वकीलों के साथ पूरे डीएम का चक्का जाम करते रहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, अकेला व्यक्ति कितना ही महान हो, अकेला व्यक्ति कितना ही पैसे वाला हो, अकेला व्यक्ति कितना ही धनवान हो, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संगठित हो जाइए, और संगठन भी बुद्ध के संस्कारों का होना चाहिए। जो संगठन संस्कारों में मिलकर के नहीं चलता, वो बिखरता रहता है। यही कारण है मुट्ठी भर सरदार पूरे भारत में 2.25 करोड़ की आबादी में है, आपने सुना होगा, परंतु एक भी सरदार जब अकेली ट्रेन में चलता है या बस में चलता है, कोई भी ब्राह्मणवादी उसके बाल को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह होता है संस्कार की ताकत। यही तो ताकत दी थी बाबा साहब ने, यही तो कहा था बाबा साहब ने, आप बुद्धिस्ट बनिए, बुद्ध की शरण में आइए, तो आपको भी कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आदरणीय प्रदीप अशोक जी और आपके तमाम जो वकीलों की टीम है,
सब मेरे छोटे भाई हैं, और श्रीपाल सावर जी और हमारे राक्षस जी ये तो हमारे बच्चे की तरह हैं। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से वो चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। महिलाओं की कमांडर द्रौपदी, गौतम जी, चंद्रकला गौतम जी, इन तमामों को मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।